सो हेलो ऑल, वार्म वेलकम टू माई चैनल इन्फॉर्मेटिका हब एंड सभी फ्रेशर को नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल। आए हो सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत ही आईटी रिलेटेड वीडियोस, कॉलेज रिलेटेड वीडियोस एंड अपने जो इस फील्ड है ना यार, इंजीनियरिंग एंड द कॉमन थिंग्स, इंजीनियरिंग के बाद आईटी एंड साइंस के बाद इंजीनियरिंग, उसके रिलेटेड वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते रहेगी। इनफैक्ट हम लोग अपने वेबसाइट के साथ आ रहे हैं www.informaticahub.com, बहुत ही जल्दी, जिसमें सारे जॉब अपडेट्स एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेंगे। इनफैक्ट जेन्युइन रिव्यूज फ्रॉम डिफरेंट पीपल जो आपको वहाँ मिलेंगे। तो जल्दी आए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो बेसिकली अभी इस वीडियो में मैं बात करूँगा व्हाट इज़ अडैप्ट ट्रेनिंग इन आईटी कंपनीज, है ना, आपके मन की ये डाउट, इसीलिए आप वीडियो के क्लिक बिट पे देख के यहाँ क्लिक किए हो। सो बेसिकली मैं बताऊँगा कि व्हाट इज़ अडैप्ट ट्रेनिंग। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अभी अपने LOI एक्सेप्ट कर रहे होंगे कंपनीज से, सबकी LOI आने एक्सेप्ट आना चालू हो चुकी होगी। इनफैक्ट LOI मीन्स लेटर ऑफ इंटेंट जो आती है सबसे पहले जब आप प्लेस होते हो, तो 2 महीना बाद जो आती है ना, जो आने के बाद आपको काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद भाई ये नहीं है कि आपको उठा के वो एकदम डिप्लॉय करके काम कराने लगेंगे यार, आपको उस काबिल तो बनाना है, तभी तो आप क्लाइंट और प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओगे, चाहे किसी टाइप का भी प्रोजेक्ट हो यार, आपको तो पहले ट्रेन करना हो ही होगा उन्हें, तभी तो यार आप बिलेबल एंड कंपनी के रिसोर्स होंगे, जो कंपनी जिससे फ़ायदे में रहेगी क्लाइंट के लिए काम करवा के आपसे। तो बेसिकली अडैप्ट ट्रेनिंग क्या है, टॉपिक से डिविएट नहीं होता है, लेट्स बी कंसनट्रेटेड ऑन द टॉपिक, व्हाट इज़ अडैप्ट ट्रेनिंग। सो बेसिकली वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग एन IT कंपनी, यू हैव टू गो थ्रू अडैप्ट। अब ये दूसरे दूसरे नाम हो सकते हैं हर कंपनीज में, किसी में प्री लर्निंग, किसी में अडैप्ट, किसी में लेफ्ट शिफ्ट ट्रेनिंग, किसी में मतलब कि प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग, किसी में इंटर्नशिप के नाम पे। सो बेसिकली ट्रेनिंग्स तो होती ही हैं ट्रेनर्स की तरफ से। सो बेसिकली अडैप्ट ट्रेनिंग क्या है, मैं बताना चाहूँगा अडैप्ट ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है ना, जो प्री ज्वाइनिंग के पहले आपको कुछ स्किल्स आपके अंदर डाली जाती है, कुछ कंप्यूटर स्किल्स या IT रिलेटेड स्किल्स। सपोज़ फॉर जनरल में बात करूँ, जो कॉमन सबके लिए होता है, जो वो होता है कि आपको जावा पे ट्रेन करेंगे, वो बेसिकली एकदम 90% केसेस में ये होगा, जावा, RDBMS, वेब टेक्नोलॉजीज, जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल पे सभी को ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब कि ये जो होती है पहले, मतलब टीयर्स में बटे होते हैं, L1, M1, समथिंग लाइक दैट। एंट्री लेवल के लिए, मतलब एंट्री लेवल ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गई, दे आर गोइंग टू डिप्लॉय यू इन द प्रोजेक्ट, उसके पहले की ये प्रोसेसेस है। तो जो L1 में होते हैं सब कुछ आ जाता है, जैसे कि जावा आ गया, आपका जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, आपको कोई भी डोमेन मिले, इनफैक्ट आपको SAP मिले, SSFDC मिले, .NET मिले, ServiceNow, ServiceMax, जो भी मिलना हो आगे जाके, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, क्वालिटी एनालिसिस, जो भी मिलना हो, पर उसके पहले आपको जाना होगा क्या, एक बेसिक ट्रेनिंग पे। बेसिक ट्रेनिंग में क्या होगी, JavaScript, मतलब जावा, वेब टेक्नोलॉजीज, DBMS पे आपको ट्रेन की जाएगी। उसके बाद आपकी एक MCQ एंड कोडिंग राउंड की एग्ज़ाम होगी, वो क्लियर करोगे आप तो आपको शिफ्ट कर दी जाएगी कहाँ, दूसरे टीयर में। दूसरे टीयर मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपने क्लियर किया पहले ये वाला सेशन जो कॉमन फॉर ऑल होती है, ठीक है, उसके बाद आपको शिफ्ट कर दी जाती है एज अ डोमेन ट्रेनिंग। अब डोमेन ट्रेनिंग में क्या होता है यार, तो डोमेन ट्रेनिंग आप लोग की डोमेन अलॉट होती है, जो कि बहुत पहले ही, मतलब कि पहले से अलॉटेड रहती है। जैसे कि सपोज आपके बच्चे 50 लोगों को आपके कॉलेज से उठाया गया, सो आप ट्रेंड के हिसाब से देखोगे, 10 लोगों को मिला है SAP, 10 लोगों को मिला है ServiceMax, 10 लोगों को मिला है ServiceNow, 10 लोगों को मिला है SFDC, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, 10 लोगों को .NET, क्वालिटी एनालिस्ट, ऐसे बांट दिया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में। अब ऐसा नहीं है, कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, बहुत बार एक कॉलेज के लोगों को एक ही डोमेन दे के उसे ट्रेन किया जाता है उसमें, बट हाँ इन जनरल आई एम टॉकिंग। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे। अगर उसमें प्रोजेक्ट में M1 और M2 दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक में थोड़ा एडमिन पार्ट रिलेटेड होता है, मतलब कि जिसको आप लोग बोल सकते हो डिक्लेरेटिव वे ऑफ कोडिंग, एंड सेकंड जो टूल्स यूज़ करके करते हो, सेकंड इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रामेटिक वे ऑफ कोडिंग। तो M1 M2 में डिवाइडेड होता है, ये तीनों क्लियर करने के बाद यार आपकी होती है फाइनल असेसमेंट, और ये सारे असेसमेंट को मिला के आपको एक सर्टेन परसेंटेज क्लियर करना रहता है, डैट इज़ आई थिंक कॉमन 60% इन मैक्सिमम कंपनीज,
ठीक है, जनरल जनरल मैं बोल रहा हूँ, 60% होती ही है सारे कंपनीज में। तो ये अगर आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर्स आती है, ठीक है, देन यू हैव टू वर्क, यू विल बी गेटिंग योर पर्टिकुलर लोकेशंस। और बहुत, ये तो मैं कंपनी की कंपनी रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, बहुत लोग ज्वाइन करा के ये काम कराते हैं। टोटली मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ये डिपेंड करता है। मैं आपको बस ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अडेप्ट ट्रेनिंग के तरफ से जा रहे हैं, सो बेसिकली आप क्लास टू क्लास में फोकस रहे, ट्रेनर जो बोल रहा है उस चीज़ पे नोटिस करें, प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करें, कि जिससे आपको L1 एग्ज़ाम पास करना डिफिकल्ट ना हो आपके लिए, आसानी से आप L1 एग्ज़ाम को पास कर पाएँ और साथ में नॉलेज गेन कर पाएँ, जो आपके प्रोजेक्ट में जब आप डिप्लॉय हो तो आप इजिली वर्क कर पाओ, आपके लिए सब कुछ नया ना रहे। सो मैं और भी दो तीन पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन अडेप्ट ट्रेनिंग, मेरे से बात सुनो, अडेप्ट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, प्लीज़ लीनियंट मत होना, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वहाँ पे आपको बैठने, मतलब सीखने के पैसे मिलते हैं, बहुत बार नहीं मिलेगा, बहुत बार मिलेगा, टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी पॉलिसीज क्या करवा रहे हैं वो। बट हाँ, जनरली मैक्सिमम कंपनीज देगी, अगर मार्केट अप है और रिक्वायरमेंट्स है तो देती है वो लोग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे जा रहे हो यार, काफ़ी सीखो, खूब सीखो, बिकॉज वो आपको सीखने और सीखने के प्रेशर लेने के पैसे मिलते हैं वहाँ पे। तो सीखो, एग्ज़ाम दो, बस एग्ज़ाम में पास करने के लिए नहीं, अपने आप में स्किल बिल्ड करने के लिए जाओ, क्योंकि अगर आप IT चूज़ कर रहे हो तो इनफैक्ट अगर आप 3 से 4 साल भी IT में झेलने वाले हो, तो यू शुड बी अक्वायर इनफ नॉलेज टू परफॉर्म ओवर देयर, ठीक है। परफॉर्म करना है आपको, तो आपको करना होगा, ऐसा ऐसा भी दिन होगा अडेप्ट ट्रेनिंग अगर आप सीरियसली जा रहे हो तो, मतलब दिन रात आप बैठे हुए हो, आपसे ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे भी दिन आएंगे अडेप्ट ट्रेनिंग में। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉन्शियस, यू हैव टू जस्ट गो इन द फ्लो, लर्न द थिंग्स एंड मेक बीट द बेस्ट दैट आई कैन से। आफ्टर दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड केयर फॉर, सेकेंड, डोंट ट्राई टू टेक दिस एग्जामिनेशन लीनियंटली यार, इन लोग का मन, IT की जो मन होती है फिरकते रहती है एज पर द मार्केट सिचुएशन। मार्केट ख़राब है तो दे स्टार्ट फायरिंग ऑल्सो इन दिस पीरियड। सो कीप केयर दैट, मतलब कि अगर आप सेलेक्ट हुए हो, यहाँ तक चले गए इतने मेहनत से, देन ट्राई टू बी इन इन द कंपनी। आफ्टर दैट डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप वर्किंग। सभी लोग अब कर ही लिए तो आप लोग भी कर ही लोगे, ठीक है। बाकी कोई भी रिलेटेड, कोई भी डाउट आते हैं आपको, अडेप्ट रिलेटेड, L1 रिलेटेड, यार आपका इन्फॉर्मेटिका हब की टीम बैठी हुई है, मतलब हर कंपनी में हमारे दोस्त, हमारे टीम्स हैं जो आपको हेल्प करूंगा। फिगर तो मैं दिख रहा हूँ, पर कन्फर्मेशन कलेक्ट करके कनेक्ट कराना मेरा काम है। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे क्वेरी डाल रहा है, क्या कैसे होते हैं, मैं सबको मटेरियल्स तक भी दे रहा हूँ, दैट यस यू कैन गो थ्रू इट। बहुत सारे कंपनी ZS में क्वेरीज आई थी, एसेंशियल रिलेटेड क्वेरीज आई थी, सो वी आर सॉल्विंग इट। डोंट वरी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, डोंट फॉरगेट टू मैसेज और DM ऑन इंस्टाग्राम, वी विल बी रीचिंग आउट टू यू। कोई भी प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेटिका आपको बताओ, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम आर एंड, ठीक है, बिकॉज वी आर इन द प्लेटफॉर्म। अगर रात के, मतलब कि हर बार यही बोलता हूँ, रात के 12:26, मतलब सारे काम खत्म करने के बाद मैं ये काम करना है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान लिया जो अल्टरनेट वीडियो में निकालता हूँ, अगर बना रहा हूँ तो देर इज़ अ कॉज फॉर इट। मतलब आप लोग के लिए वे पाथ क्लियर करना चाहता हूँ, और कि क्लियरली आप लोग इंडस्ट्री में इन करें, हिट करें, लर्न करें, सीखें एंड कंट्रीब्यूट, बिकॉज यार आप लोग तो हमारे कलीग्स ही होने वाले हो। तो फ्रेशर्स, अगर फ्रेशर्स ही ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज अडेप्ट ट्रेनिंग की नॉलेज, और भी कुछ जानना चाहते हो, डोंट हेजिटेट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। खराब लग रहा है वीडियो, डिसलाइक करके बताओ कि आपको क्या चाहिए, वीडियो आपके लिए बन रही है, रात को उठ के मैं आपके लिए, मतलब उठ रहा हूँ लेट तक एडिट करते करते, मतलब समय दूंगा तो आपके लिए ही। सो डोंट फॉरगेट टू मैंशन दैट क्या चाहिए, और अगर सही लग रहा है वीडियो तो लाइक, कमेंट और थोड़ा धन्यवाद करते जाओ। आपके इस इन्फॉर्मेटिका हब, मेरा नाम हुआ करण और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिका हब। फॉर एनी ऑफ द रीजन यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर। जिसको भी जानना है अडेप्ट ट्रेनिंग के बारे में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दो, और भी कुछ जानना है कमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM करो, वी विल बी रीचिंग आउट टू यू। सभी को कर रहा हूँ एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।